नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वक्त रहते हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। यह समय आप सभी के खिलाफ बड़ा ही षड्यंत्र रचने वाला है। जी दोस्तों, बस हम आप सभी को इतना बताना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नज़र हटिए तो दुर्घटना घटी वाली घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी घटना इसमें आप सभी के साथ घटने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो आपके गुप्त दुश्मन हैं, जो आपके अपने होकर ही आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वो दोस्तों यह समय आपके खिलाफ बड़ा ही षड्यंत्र रचने वाले हैं। और दोस्तों, आने वाले 48 घंटों के अंदर आपको सावधान रहना अत्यंत आवश्यकता होने वाली है। हालांकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यशमी भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यशमी भगवान शनिदेव का भी खेल शुरू होगा, बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही आप ध्यान से देखिएगा। अन्यथा दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में वे सारे सपने सच नहीं हो पाएंगे जिनके लेकर आप बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप यशमी वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुन लेंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। यशमी, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में 10 से 15 करोड़ की लॉटरी मिलने वाली है। और दोस्तों, कौन सी जगह आपको ये सब संपत्ति मिलने वाली है, कौन सी जगह ये आपको लॉटरी लग सकती है, दोस्तों आज के इस वीडियो में सभी बातें हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कौन सी विशेष बातों का अब आपको ध्यान रखना होगा, कौन सी गलती आप पिछले कई समय से करते आ रहे हैं जिनसे आपके जीवनकाल में भगवान शनिदेव भी थोड़ा सा रुष्ट हुए हैं, इसलिए दोस्तों अब आपको कौन सी गलतियों को दोबारा नहीं करना है, साथ ही कौन से महा उपाय को करना है ताकि आप भगवान शनिदेव को फिर से प्रसन्न कर सके। दोस्तों, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जो भी लोग हैं लाखों की संख्या में इस चैनल से जुड़ चुके हैं और सभी लोग यही कमेंट करते हैं कि गुरुजी, आपके वीडियो को देखने से हमारे जीवनकाल में हमें बहुत ही खुशी मिलती है, हमें अपने जीवनकाल में बहुत ही मुसीबतों से छुटकारा मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जीवनकाल की हर एक सच्चाई, जो भी बातें उन सभी को बताते हैं और जो भी आप गलती करते हैं उनसे भी आपको सचेत करते हैं और जो भी आपके जीवनकाल में आने वाली खुशखबरी है उन सभी की जानकारी सर्वप्रथम देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार अपने जीवनकाल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो समय आपको खुशखबरी मिलने वाली है, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी खुशखबरी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में पिछले समय की जितनी भी समस्याएँ, वे सारी समस्याएँ इससे खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाली 7 दिनों का जो समय है, आप सभी के कुंडली में, आप सभी के राशि में दोस्तों यश में 2 बड़े धनयोग का निर्माण होने वाले हैं और दोस्तों 1 बड़े राजयोग का निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में सुख समृद्धि भी आने वाली है और धन की सारी चिंताएँ आपको खत्म होते हुए आप देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आप सभी के ऊपर रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि अष्टमी शनि की स्थिति आपके जीवनकाल में बदल चुकी है। जी दोस्तों, और शनि के साथ ही साथ अष्टमी शुक्र की स्थिति भी आपके जीवनकाल में बहुत ही अच्छा होने वाली है, इसलिए दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव की अष्टमी कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। और दोस्तों ये समय आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में महालक्ष्मी नाम का शुभ योग, राजयोग और धनयोग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अष्टमी गजकेसरी नाम का भी धनयोग का निर्माण होने वाले हैं, गजलक्ष्मी योग का भी निर्माण होगा, इसे दोस्तों धन प्राप्ति के सबसे प्रमुख योग आप सभी के राशि पर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी राशियाँ हैं, सबसे ज़्यादा आपकी ही राशि को परेशानियाँ देखने को मिलती है,
लेकिन दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर राशि आपकी राशि बनने वाली है। जी दोस्तों, बस आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और यश में जो भी आपको लाभ मिलने वाले हैं उन्हें दोस्तों आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों हम आप शुक्र बताते कि यश में माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो घरों की स्थिति बनी है इनमें दोस्तों आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बड़े बड़े धन लाभ आप सभी को यश में मिलने वाले हैं। दोस्तों धन लाभ के कई सारे मौके, सफलताओं के बड़े बड़े मौके आप सभी के कदम यश में चूमने वाली है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यश में आप सभी के जुनकाल में वो सभी खुशियाँ मिलेंगी जिनसे घर परिवार के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यश में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और वो कौन कौन से क्षेत्रों में मिलने वाली है दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको पहले भी बताएं कि यश में आपको कुछ बातों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों कौन कौन सी बातों को लेकर यश में आपको सावधानी बरतना होगा दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा दोस्तों आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। हम यह बात भी कहते हैं कि दोस्तों आपके जुनकाल में जो भी ग्रहों की स्थिति बनी है उनमें आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यश में समय आपके हाथ में है और यश में अगर आप सावधानी को नहीं रखेंगे तो दोस्तों समय आपके हाथ से फिसल जाएगा और दोस्तों जो भी अच्छा समय है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और दोस्तों ये जो समय है आपको कौन कौन से ग्रहों की स्थिति में कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आपको पूरे ही सटीक राशिफल बताने वाले हैं। अजय दोस्तों सबसे पहले आपको यश में कौन सी सावधानियाँ रखनी है ताकि दोस्तों कोई भी आपको जो है नुकसान ना मिले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को एक महत्वपूर्ण सावधानी बता दें कि यश में आपके जुनकाल में भगवान शनिदेव की चाल बदल चुकी है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी के जुनकाल पर रहने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों धनलक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग के भी बहुत सारे प्रबल मौके बनेंगे। दोस्तों यश में गजकेसरी राजयोग के भी निर्माण होने वाले हैं। इसके कारण दोस्तों यश में आपके जुनकाल में अपार खुशियाँ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपको इन्हीं खुशियों में बिल्कुल ही नाच खेल कूद कर समय को व्यतीत नहीं करना है। और दोस्तों इन समय में इस सभी पर अगर आप ध्यान देंगे कि आपके जुनकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे समय हैं उनका अगर आप लाभ उठाने में लग जाएंगे, नाचने कूदने में लग जाएंगे तो दोस्तों आप शुभ को बता दें कि इनका फायदा आपके विरोधी वर्ग उठा लेगा। ये दोस्तों जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं हमेशा वो लोग चाहते हैं कि आप नीचे रहें। तो दोस्तों अगर यश में आप खुशी से उछलने में समय को व्यतीत कर देंगे, सावधानियों को नहीं रखेंगे तो दोस्तों यश में जो भी कार्य है उनमें दोस्तों बाधाएं आ सकती है, उनमें संकट समस्याएं आ सकती है क्योंकि दोस्तों आप अपने ही हाथों ये जो समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। जब भी आपके जुनकाल में ईश्वर कुछ देता है तो दोस्तों उन्हें संभालने की भी दायित्व आपका ही होता है। जे दोस्तों कोई व्यक्ति उस पर बुरी नज़र ना डाल दे अगर आप खुद ही ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि आपको सब कुछ बना बना के दे देगा। दोस्तों इस दुनिया में जितना भी व्यक्ति है सब कोई मतलब से सभी के साथ जुड़े होते हैं। अगर आपसे उनका कोई मतलब है तो आपके ही साथ है, अगर उनका आपसे कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों वे आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। अगर कोई काम आपको उनसे है तो दोस्तों आप उनके साथ जाना भी चाहेंगे तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को तब तक आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, आपसे उनका कोई मतलब नहीं रहेगा और व्यक्ति हमेशा अपना ही मतलब यहाँ पर निकलवाने के लिए आते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से अब आपको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो समय है इन 7 दिनों में आपको किसी के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। शायद दोस्तों कितने भी आपके अपने व्यक्ति हो, कितने भी आपके अच्छे रिश्तेदार हों, चाहे आप उनके साथ कितने भी बैठे उठे हो, कितने भी आप उन पर विश्वास करते हो, लेकिन दोस्तों हम आपको यही सलाह देंगे कि यश में अगर आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, कार्यों को बिना देखे उनको सौंप देंगे, कोई भी ऐसे दस्तावेज उनको देंगे जिन्हें आपने नहीं देखा है तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको भारी नुकसान होगा। और दोस्तों ये नुकसान आपके जुनकाल में जो भी खुशी आई है उन सभी को दुखों में बदल देगी। तो दोस्तों यश में जो भी बात है, जो भी सावधानी हम आपको बता रहे हैं इन बातों को दोस्तों आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे दोस्तों आप कुछ भी भूल जाइए लेकिन ये सब बातें जो है इन्हें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको
कौन से उपाय को करना चाहिए उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप शिव को बता दें कि दोस्तों यश में आपके जन्मकाल में जो ग्रहों की बदलती चाल है, जो भगवान शनिदेव ने अपनी चाल बदली है, तो दोस्तों इनके कारण आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों पहले हमने आपको सावधानी इसलिए बता दिए कि दोस्तों आप खुशी से ना उछल पड़े और बाद में आप सावधानी को रखना भूल जाए, इसलिए दोस्तों पहले ही हमने आपको सावधानियाँ बता दी है। अजय दोस्तों तो उन बातों को ध्यान रखें। तो आए दोस्तों बात को तो आए दोस्तों अब आपको बता दें कि कौन सी खुशखबरी आपको इसमें मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यश में आपके ग्रहों में माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का छाया है। और दोस्तों यश में आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ है। भगवान श्री शनिदेव और माता लक्ष्मी की अशुभ कृपा आप शिव की राशि के ऊपर यश में रहने वाले हैं। और दोस्तों इन 7 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होने वाला है। दोस्तों आप शिव को बता दें कि यश में जो आपके लिए समय होगा, जो आपने पिछले समय मेहनत किए हैं दोस्तों, उन सभी का फल आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। आप अपने सभी लक्ष्यों को यश में हासिल कर पाएंगे। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों यह समय आपकी योग्यता और आपके काबिलियत को निखारने का समय होगा। यश में आपकी योग्यता और काबिलियत का सम्मान भी मिलेगा। दोस्तों खुलकर आपके सारे यश में जो चालाकी है, जो ईमानदारी है, जो भी आपकी सम्मान पूर्वक कार्य है, दोस्तों वे सभी के सामने आएंगे। जी दोस्तों, दोस्तों आप शिव को बता दें कि यश में आप जो भी काम में हाथ डालने वाले हैं दोस्तों, वो काम अवश्य पूरा होगा। समय आपके लिए इतना अच्छा है कि दोस्तों भाग्य और ग्रहों का साथ आप शिव को प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यश में संतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का समाधान आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन काल में खुशहाल महसूस करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हम आप शिव को बता दें कि ये जो समय है, आज आने वाले 7 दिनों का समय, कोई दोस्तों मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेंगी। सबसे पहले दोस्तों बात जो है, आपको यश में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे दोस्तों आप शिव के घर का जो माहौल है वो दोस्तों सकारात्मक बना रहेगा। दोस्तों कभी भी बड़े बुजुर्गों का आपको यश में अनादर नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों अगर जाने अनजाने में अगर आपके साथ ऐसी गलती हुई है तो दोस्तों यश में आपको आदर सम्मान करना है सभी का। जी दोस्तों, जो भी आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी का सम्मान करना है। उन सभी को दोस्तों नए वस्त्र को दान देना है। इनसे दोस्तों आपके जीवनकाल में जो भी समस्याएं हैं, जो भी किसी का दोस्तों दोष लगा है, कोई व्यक्ति आपको श्राप कोई दुर्भाग दे देता है, दोस्तों इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगा। तो दोस्तों यश में बुजुर्गों को आप नए वस्त्र का दान जरूरी कीजिएगा। दोस्तों आपकी मेहनत व फिर परिश्रम यश में रंग लाएगा, जिससे दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास में ऊर्जा बनी रहेगी। यश में आपको अपनी योग्यता व फिर क्षमता पर गर्व होगा कि दोस्तों आपने जो पिछले मेहनत किए हैं, और जब उनका परिणाम यश में आपके सामने आएगा तो दोस्तों खुद में आप बहुत ही ज़्यादा गर्व तरीके से महसूस करेंगे। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आप खुद को यश में आप गर्व भरा महसूस करने वाले कि हम यह कार्य को किए हैं। जी दोस्तों, आप खुशी से यह शुभ समाचार सभी को घर परिवार में सुनाएंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यश में आपको पिछले समय के अटके धन मिलने वाले हैं। धन प्राप्ति का योग यश में आपके लिए है। संतान प्राप्ति का भी योग यश में आपके लिए बनेगा। नौकरी प्राप्ति का भी योग आपके लिए है। दोस्तों कोई ऐसा शुभ समाचार यश में आपको मिलने वाला है जिससे आप सभी के और आपके घर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। अजय दोस्तों, घर परिवार में यश में जो भी लोग हैं दोस्तों, वो मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ इतनी बड़ी होगी। विद्यार्थियों को यश में आप अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा एकाग्रचित रहें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यश में घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। घर में आप बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यश में जो भी गृहस्थियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं दोस्तों, वे सभी समाप्त होने वाली है। और दोस्तों जो भी कोर्ट कचहरी संबंधी मामले हैं, जो भी ऐसे कार्य हैं जो कि दोस्तों वो बाहर के मामले हैं दोस्तों, वे सारे फैसले आपके पक्ष में होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो शनिदेव ने अपनी चाल बदली है यश में, और आपके कर्मों के फल वो देने वाले हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यश में आपको धन लाभ होने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है। धन प्राप्ति के यश में योग बनेंगे, इसलिए दोस्तों आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में दोस्तों कोई भी
कार्य आप बिल्कुल ही ना करें। साथ ही साथ आप शुक्र बता दें कि यश में आपको बाहरी क्षेत्र से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप शुक्र बता दें कि यश में अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर से कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उनके घर आने की खुशखबरी मिल सकती है या फिर उनका वेदर आने की खुशखबरी आप सभी के घर में आ सकती है। साथ ही साथ हम आप शुक्र बता दें कि यश में खुशखबरियों को देखकर आप अपने जीवन के दुखों को बिल्कुल ही मत भूल जाइएगा कि दोस्तों यश में आपके इन्हीं खुशी को देखकर आपके जलने वाले और भी जलते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी आप कार्य कीजिएगा अपने घर के अंदर ही कीजिएगा, किसी के सामने अपनी खुशी को जाहिर बिल्कुल भी नहीं करना है, यह गलती आप भूल कर भी ना करें। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि यश में किसी भी अनजान व्यक्ति पर आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसकी बातों में आपको नहीं आना है वरना दोस्तों आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने क्रोध उत्तेजना पर यश में नियंत्रण बनाकर रखना होगा। आपका यश में जो प्रभाव है, आपका जो यश में गुस्सा है, आपके बहुत सारे कामों को बिगाड़ सकता है। क्रोध और अपनी उत्तेजना दोस्तों आपको बढ़ने नहीं देना है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, अगर यश में आप इन्हें अपने काबू में रख लेंगे तो दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिगड़ने वाले भी होंगे वो भी आपका बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको खुद का स्वभाव कैसा रखना है। दोस्तों यश में आपका स्वभाव, बोलचाल का तरीका बिल्कुल ही नम्र रखना है, बिल्कुल ही धीमे आवाज में बात करना है और आपका जो प्रवृत्ति है दोस्तों उन्हें आपको दयालु किस्म का रखना है। किसी के ऊपर यश में क्रोध नहीं करना है, बेवजह की आपको बातों पर नहीं उलझना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यश में आप सभी को बता दें कि दूसरे के प्रति सहायता करना आपके स्वभाव रहता है, परंतु यही स्वभाव दोस्तों कई बार आपके विनाश का भी कारण बन जाता है। जी दोस्तों, ये बात तो आपने पिछले समय में भी देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को आपने बहुत ही ज़्यादा मदद किया था, जिस व्यक्ति के लिए आपने दिन रात एक कर दिए थे, उन्हें खुश करने के लिए दोस्तों आपने बहुत सारे जख्मों को भी अपने जीवन काल में लिए थे, लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति अब क्या किए, जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो दोस्तों उस व्यक्ति ने आपको धोखे दिए हैं। उसी व्यक्ति ने आपसे मदद ली और जब आपका वक्त आया तो दोस्तों उस व्यक्ति ने पीठ दिखा दिया और उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया। तो दोस्तों ऐसे समय में आपको जो है धोखा मिलता है। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि आपका जो दयालु स्वभाव है दोस्तों यही आपके लिए विनाश का कारण कभी कभी बनता है। इसलिए दोस्तों यह समय आपको सावधान रहना है, किसी भी व्यक्ति को पेशे की लेन देन नहीं करना है किसी व्यक्ति से। जी दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अपनी जो है कमजोरी को दिखाता है और कहता है कि हमें पेशे की जरूरत है, तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि यश में आप पेशे को भूल कर भी मत दीजिएगा। दोस्तों आप भी कोई ऐसी बहाना बना सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए सही होगा, वरना दोस्तों ग्रहों की जो स्थिति है यह दर्शा रही है कि दोस्तों कोई अपना ही व्यक्ति आपको यश में छल करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों जिन्हें आप पेशे देंगे। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो आपसे दुश्मनी करना चाहते हैं दोस्तों, उनसे आपको बात नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको इन लोगों से सावधान रहना है जो लोग पिछले यश में आपको धोखा दिए हैं। दोस्तों उन लोगों को भूल कर भी अपनी कोई सीक्रेट नहीं बताना है। जी दोस्तों आप शिव को बता दें कि आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य किसी के भी सामने पहले मत लाइएगा, कहीं आना जाना करते हैं तो दोस्तों किसी को भी मत बताइएगा। दोस्तों ये जो बातें होती है दोस्तों, इन बातों को आप अपने ही अंदर गुप्त रखें। आप करियर से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य कर रहे हैं दोस्तों, इन सभी बातों को अपने ही तक सीमित रखें। दोस्तों अगर आप इन बातों को किसी के साथ उजागर कर देंगे तो दोस्तों इनका लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें आप अपने ही अंदर गुप्त रखें और दोस्तों इन्हें सभी बातों को लेकर आप सावधान रहें। दोस्तों आप शुभ बता दें कि यश में लाभ की स्थितियां बन रही है, इसके साथ साथ दोस्तों खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है, खर्च भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप शुभ बता दें यश में आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और युवा वर्ग को हम यह बात बताते हैं कि व्यर्थ के मौज मस्ती में दोस्तों अपना महत्वपूर्ण समय को बिल्कुल ही नष्ट ना करें। किसी भी प्रकार की दोस्तों ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके मौज मस्ती में पढ़कर आपके जो भविष्य है, आपके जो कीर्तिमान है, उन्हें नीचा कर दे। जी दोस्तों ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा कि आपको अपने ही परिवार के सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़े। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों यश में आपके लिए समय उन्नति कारक है, इन सभी बातों को लेकर आपको सचेत रहना होगा। आपके करियर के प्रति ये जो समय है दोस्तों बहुत ही अच्छा समय है, और अगर आप
इन महत्वपूर्ण समय को नष्ट करेंगे तो दोस्तों आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही खराब होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप शुक्र बता दें कि अश्विनी किसी के साथ प्रेम संबंधों से जुड़कर अपने महत्वपूर्ण समय को आप दोस्तों बिल्कुल ही बर्बाद मत कीजिएगा जी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप शुक्र बता दें कि जो लोग पिछले कई समय से प्रेम संबंध में हैं, जो लोग वैवाहिक संबंध में बनना चाहती हैं, तो दोस्तों आप शुभ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। परिवार की स्वीकृति मिल सकती है, प्रेम संबंध में मधुरता आपका बने रहेगा, जिस प्रकार पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों के प्रेम संबंध में पिछले कई समय से झगड़े चल रहे थे, दोस्तों यश में आप सभी के झगड़े समाप्त होंगे और काफ़ी हद तक मामला आपका बहुत ही सुधर जाएगा। परंतु दोस्तों अब आपको अपना ही कुछ गलतियों को देखना है दोस्तों, सब गलतियां दूसरे पर ही नहीं थोपना है, इससे भी दोस्तों आपका प्रेम संबंध कई बार खराब होता है। दूसरे की गलती के साथ साथ खुद की भी गलती की पहचान करें, ये आपके लिए एक खास सावधानी होगी। सदस्यों घर परिवार की जो माहौल है यश में बहुत ही खुशनुमा रहेगा, घर परिवार का सहयोग आप सभी को मिलने वाले हैं जी दोस्तों। जीवन साथी का भी स्वभाव आपके प्रति अच्छा रहेगा दोस्तों। यश में जो जीवन साथी है उनका सेवा भाव आपको मानसिक रूप से सुकून देगा जी हाँ दोस्तों। आप सभी को बता दें कि किसी भी मामले में जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर कोई अगर नोक झोंक हुई है तो दोस्तों यश में ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये सामान्य रूप है, ये तो होता रहता है। लेकिन दोस्तों इन्हें लेकर दोस्तों किसी आपस में रूट जाना दोस्तों ये संबंधों में आपके दरार पैदा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों छोटी मोटी बातों को तुरंत ही सुलझा लें और अपने प्रेम संबंध को सुखमय बनाएं जी दोस्तों। तो आए और सारे दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो लोग किसी से प्रेम करते हैं उनको यश में प्रेम में रजाबंदी मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों यशमी आपको उन कार्यों को करने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। निकट भविष्य में आपको इससे कोई आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ मिल सकता है। जो भी कार्य आप शुभारंभ करना चाहते हैं दोस्तों करें, समय आपके लिए अच्छा है, ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हैं, शनिदेव आपके पक्ष में हैं, माता लक्ष्मी आपके पक्ष में हैं, तो दोस्तों कार्यों की अगर शुरुआत करेंगे तो उनमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा जी दोस्तों। ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही प्रबल है। जो भी इंसान जो भी व्यक्ति नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि समय आपको अच्छा अवसर देने वाले हैं दोस्तों। यश में जो लोग नए नौकरी की तलाश कर रहे थे, पिछले कई समय से जो लोग बेरोजगार थे दोस्तों, यश में आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, मन चाहे रोजगार आप सभी को मिलने वाले हैं जी दोस्तों। आप सभी को बता दें कि दोस्तों पिछले कई समय से आपका समय खराब चल रहा था, लेकिन दोस्तों यह समय आपका जो समय है दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा जी हाँ दोस्तों। व्यापार के रूप से दोस्तों यश में जो भी आपका रुका हुआ पेशा है दोस्तों आपको वापस मिलने वाले हैं। किसी के पास आपके पेशे फंस गए हैं तो दोस्तों वो धन पाने के प्राप्ति के योग बन रहे हैं ये दोस्तों, इसलिए अब आपको निराश नहीं होना है दोस्तों। जो भी आपने इंतजार किए हैं दोस्तों उनका आपके इंतजार का समय खत्म हो गया है और दोस्तों यह पेशा आपको वापस मिलने वाले हैं जी हाँ दोस्तों। प्रॉपर्टी संबंधित समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कहीं पर पेशा निवेश करना चाहते थे, नया वाहन लेना चाहते थे, नए घर को खरीदना चाहते थे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये आपके लिए भी उचित योग हैं। यश में आप नया वाहन भी ले सकते हैं। आपको दोस्तों आप सभी को बता दें कि नए प्रॉपर्टी की खरीदारी यश में आपके हाथों से होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां आपकी पिछले कई समय से चल रही थी, जो घुटनों में दर्द, पेट में दर्द और दोस्तों कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन काल में आ रही थी, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि समय बेहतरीन है, ग्रहों की स्थिति आपका साथ देगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा दोस्तों, आप यश में ऊर्जावान रहेंगे। परंतु दोस्तों ज़्यादा तनाव लेने की कोशिश ना करें, कुछ दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा दोस्तों, दिमाग को बिल्कुल ही फ्री रखिएगा, इससे दोस्तों आप मानसिक रूप से बिल्कुल ही निरोगी रहेंगे और जो भी आप कार्य करेंगे उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी और जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है इनसे दोस्तों ये भी सुधरेगी। तो दोस्तों यश में इस बात को ध्यान रखें कि आपको कोई भी मानसिक तनाव नहीं लेना है, बेवजह की बातों पर नहीं ध्यान देना है जी दोस्तों, इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। यश में आपको अपने कार्य के साथ साथ आराम भी करना है, मेडिटेशन करना है, इससे दोस्तों आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही अच्छा रहेगा जी दोस्तों। और साथ ही साथ अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देना है, इससे भी दोस्तों स्वास्थ्य में आपको बहुत ही अच्छा सुधार
देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा रहेगा आप सभी का ये समय। तो दोस्तों उम्मीद करते कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी को लगा होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय।